अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और सिटी कॉलेज मरियम कैंपस जिन्ना कैंपस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। तो बच्चों, एमसीक्यूज़ का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है पास्ट पेपर के हवाले से, और आपको पता है कि ए प्लस नोट्स जो हैं ये हम फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों के पास ये नोट्स होने चाहिए। उम्मीद है कि अब तक तो ज़ाहरी बात है सिलेबस एंड होने को आ गया हुआ है, तो आपके पास ये सिलेबस मौजूद होगा और आप लोग लेक्चर भी रेगुलरली देख रहे होंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटे आप लोग अपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए और पूरी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं उन सब को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार एमसीक्यूज़ वही आ रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि आपके एमसीक्यूज़ में इशू नहीं बनेगा। तो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, अपने ये 20 नंबर तो कम अज़ कम आप पक्के कीजिए ना, तो मतलब 20 मार्क्स आपके अपने हाथ में, तो ये आप लोगों ने करने हैं। बाकी भी ज़ाहिर बात है आपके अपने हाथ में ही होते हैं, आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आप लोगों ने हिम्मत करनी है और डट के तैयारी करनी है, परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर काम करें, उम्मीदें नहीं लगानी कि पेपर नहीं पेपर होंगे कि नहीं होंगे। एक दो बच्चे मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि सर वो पेपर होंगे फर्स्ट ईयर के, तो भाई डेफिनेटली आप लोगों को यही जहन में रखना है कि पेपर होने हैं, हर सूरत होने हैं। हमारे वो जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो जितने भी मतलब वो जो मुराद राज साहब, शफकत साहब जितने भी हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि पेपर हमने लेने हैं, पेपर लिए बगैर हमने नहीं जाने देना, पेपर लेने लिए बगैर हमने नहीं छोड़ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रा मुहतात रहें कि पेपर होंगे, कन्फर्म होंगे, अगर खुदा ना खास्ता नहीं होते तो वो एक अलग केस है। कहीं कुछ दोस्तों को बुरा लग गया होगा कि सर ने कहा कि खुदा ना खास्ता पेपर नहीं होते, तो नहीं बेटे, बुरा मानने की बात नहीं, ये आपकी अपनी काबिलियत का एक पैमाना है जो कि अब बेहतर है कि होने चाहिए। अगर आपके ये पेपर होते हैं और आपकी मेहनत के ऊपर आपको नंबर मिलते हैं तो आपकी डिग्री की वैल्यू कुछ और होगी, अगर बग़ैर मेहनत किए खुदा ना खास्ता नंबर मिलते हैं तो वो कुछ और ही वैल्यू समझी जानी है। तो इसलिए अगर आप दुआ कीजिए कि आपके ये पेपर होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारे पास ये लेक्चर नंबर 11 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट ईयर बच्चों हमारे पास क्लास है, फर्स्ट ईयर, और लेक्चर नंबर 11। तो बच्चों लेक्चर 11 में मेरा ख्याल है मैं मुझे कलम चेंज करना चाहिए, ये आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो बच्चों एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर इसमें मैं 11 डिस्कस करूंगा और चैप्टर नंबर 12 जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, चैप्टर 11 प्लस चैप्टर 12। तो आपने इन दोनों चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखने हैं। तो इसमें से वैसे तो सारे क्वेश्चंस के अंदर फंक्शंस की डोमेन और रेंज बताई हुई है, या आपकी बुक के अंदर एक टेबल लिखा हुआ है, उस टेबल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज बताई हुई है, वो टेबल आपने याद करना है, उसको आपने अच्छे तरीके से हिफ्ज़ करना है। तो कभी आपसे किसी फंक्शन की टैन की डोमेन पूछ लेगा, कभी टैन की रेंज पूछ लेगा, कभी साइन की डोमेन पूछ लेगा, कभी साइन की रेंज पूछ लेगा। तो ये चीज़ें आपको बहरहाल आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो आइडिया है इसमें है वो पीरियड्स का, पीरियड वो आपसे डिस्कस कर लेता है फंक्शंस के अंदर। देखें, मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि पीरियड की बात उसने को 50 सवालों में पीरियड की बात की है, तो इसका मतलब है कि हमें यहां पे अंडरस्टैंड करना है कि पीरियड, डोमेन और रेंज तीन ही बातें हैं जो कि यहां पे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी चैप्टर नंबर 11 में। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग बड़े आसानी से करेंगे, फिर भी आपकी एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। अब देखें, यहां पर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है बच्चों। एमसीक्यू नंबर 1 में हमसे पूछा गया डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू सेकेंट एक्स इज, तो बच्चों सेकेंट एक्स की जो डोमेन है वो आपने बतानी है कि क्या होगी, यानी सेकेंट एक्स में आप क्या पुट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंट एक्स के हवाले से हमारे पास लिखा हुआ है डेल्टा ऑप्शन, और डेल्टा ऑप्शन के हवाले से यहाँ पर जो है, बल्कि डेल्टा ऑप्शन को छोड़ें, अल्फा ऑप्शन इसका जो है वो आंसर है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रियल लाइन में से अगर हम ऑड पाई बाय 2 जो है वो माइनस कर दें, यानी इसको हम निकाल देते हैं, एक्स साई दैट एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगी सेकेंट की डोमेन। तो इसको आपने ज़रा जहन में रखना है। तो मैंने पहले आपको कहा था कि सेकेंट की डोमेन
कभी पूछ लेगा, कभी सिकेंट की रेंज पूछ लेगा। आप बाहर के आप वो टेबल याद करेंगे, उस टेबल के अंदर 6 डोमेन हैं, 6 रेंज हैं, 6 डोमेन्स हैं, 6 रेंज हैं, यानी 6 फंक्शन हैं। तो सारी बात है, हर फंक्शन की अपनी डोमेन अपनी रेंज है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो आप लोगों को टीचर्स ने गाइड भी किया हुआ होगा, बाकी आप देख भी लेंगे तो उसमें मुश्किल काम कोई नहीं है। अब यहाँ पर लिखता है जी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन इज़, जाहिर सी बात है अल्फ़ा ऑप्शन है, आर है। इसी तरीके से तीसरा सवाल में द डोमेन ऑफ टेन एक्स लिखी हुई है, तो टेन एक्स की जो डोमेन है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनेगी। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास फंक्शन का पीरियड पूछ रहा है। यहाँ पे जी पीरियड ऑफ टेन एक्स बाय 3, तो बच्चों टेन एक्स बाय 3 का पीरियड क्या होगा? तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे करना क्या है, टेंजेंट के एंगल में पाई को कर देना ऐड, क्योंकि टेन का जो पीरियड है वो आम हालात में पाई को समझा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम लेना है, तो ये आप लेंगे एलसीएम टेन एक्स प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से लिखा जाएगा टेन 1/3 इंटू एक्स प्लस 3 पाई। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास यहाँ पे अब बचा है x को अकेला करने के बाद, जब x का कोई कोफिशियंट नहीं है, तो x को अकेला करने के बाद जो चीज़ यहाँ बचेगी वो इसका क्या होगी, पीरियड होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पीरियड जो है वो मेरे पास 3 पाई है tan x बाय 3 का। तो इसका जो आंसर बनेगा डेफिनेटली बच्चों वो डेल्टा ऑप्शन बनेगा, और डेल्टा ऑप्शन को आप क्या करोगे, टिक करोगे। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सारा पीरियड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 3 sin x by 3, इसका मुझे पीरियड बताना है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो 3 लिखा हुआ है पहले वाला, इसकी कोई वैल्यू नहीं है पीरियड निकालते हुए, इसको आपने देख के घबराना नहीं है, इसको देखकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो इसने कोई हमारे पीरियड पे इफ़ेक्ट नहीं डालना। तो आप लिखोगे 3 into sin x by 3 प्लस हो जाएगा 2 pi। अब इसको लिखोगे 3, यहाँ पे आ जाएगा साइन, इसका एलसीएम लोगे तो x प्लस हो जाएगा 6 pi डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। सो दिस इज़ 3 into sin 1/3 x प्लस 6 pi। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 6 pi है ये हमारे पास इसका क्या होगा, पीरियड होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पीरियड ऑफ 3 sin 3x/3 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 6 pi। तो 6 pi देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे 6 pi डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो डेल्टा ऑप्शन इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के हवाले से कुछ बातें थी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मज़ीद कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मुझे बताने की ज़रूरत है। एक ही सांप है जिसको बार बार मारा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 12 पर। अब इसमें भी जो टेक्निकल एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो एमसीक्यूज़ जो हैं वो चैप्टर नंबर 12 से भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनते। चैप्टर नंबर 12 में जस्ट फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि साइन अल्फ़ा बाय 2 किसके बराबर है, साइन बीटा बाय 2 किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा बाय 2 किसके बराबर है, कॉस बीटा बाय 2, टेन अल्फ़ा बाय 2, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये सारे लॉज आपको याद होने चाहिए। तो वह फार्मूलाज ही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता। कैलकुलेशन ज़ाहिर बात है एमसीक्यूज़ के अंदर वो नहीं करवाता। तो मैं अभी आपके सामने ये एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा, आप देखिएगा कि इसमें कोई एमसीक्यू उसने नहीं लिखा होगा। हाँ, वो जो आपकी एक्सरसाइज 12.8 है उसके सारे क्वेश्चन अगर आपको उनकी स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से याद हो जाए तो वेल एंड गुड, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 को। तो यहाँ पे 12 के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों, तो 12 को ज़रा देखिएगा। इसमें लिखता है जी इन अ राइट ट्राइंगल नो एंगल इज़ ग्रेटर देन, यानी राइट ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होता। तो ज़ाहरी बात है राइट ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल 90 का होगा, बाकी एंगल 90 से छोटे होंगे, तो कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा, यानी पहले एमसीक्यू का आंसर जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा जी अल्फ़ा। तो आप लोगों ने अल्फ़ा को टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यू है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़, ट्राइंगल के 3 एंगल्स को ऐड करोगे 180 आंसर आएगा। इसके बाद इफ़ गामा इज, तीसरा एमसीक्यू पढ़ने जा रहा हूँ, इफ़ गामा इज इक्वल टू 90 degree देन विद यूजुअल नोटेशन, अगर गामा इज इक्वल टू 90 है। तो आपको पता है बच्चों तीसरा एमसीक्यू मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाऊंगा, ये राइट ट्राइंगल बनती है। राइट ट्राइंगल के अंदर
मेरे पास ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। सी पर एंगल चूँकि गैमा बनता है, तो गैमा पर बच्चों आंसर है हमारे पास 90 डिग्री। तो अब हमें ये भी पता है कि ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है। तो इसका मतलब है अगर गैमा 90 है तो हाइपोटेनियस बनेगा सी। तो इसका मतलब है कि फिर सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो बच्चों ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो जी कौन सा आएगा, अल्फा ऑप्शन आएगा। तो जी बच्चों अल्फा को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ 4। इफ़ ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन द लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूसेस टू। लॉ ऑफ साइन पिथागोरस थ्योरम, यानी लॉ ऑफ कोसाइन जो है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम में। इसको मार्क कीजिएगा, बहुत अहम MCQ है, ये बार बार रिपीट हो जाता है। तो बच्चों इसको ज़रा नोट करना है आप लोगों ने कि लॉ ऑफ कोसाइन को पाइथागोरस थ्योरम के अंदर रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें MCQ नंबर 5, सिंपल फार्मूला लिखा हुआ बच्चों कॉस अल्फा बाय 2 का। अब कॉस अल्फा बाय 2 का फार्मूला आपने याद रखा हुआ है, ये आपको पता है कि एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए और बी सी के बराबर होगा, यानी बीटा ऑप्शन बनेगा। ये MCQ नंबर 5 जो है ये सीधा सीधा फार्मूला है, इसको समझाने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट MCQ नंबर 5 का बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में फार्मूला लिखा हुआ है, ये टेन गामा बाय 2 का फार्मूला है, बीटा ऑप्शन बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 साइन अल्फा बाय 2 का आंसर आपसे पूछ रहा है कि जी कौन सा होगा, बीटा ऑप्शन इसका आंसर होगा साइन अल्फा बाय 2 का। तो ये फार्मूलाज हैं बच्चों जिनको आप लोगों ने याद करना है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरीके से MCQ नंबर 9 ज़रा देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2CA। तो ये कौन सा फार्मूला बनता है, ये कॉस बीटा का फार्मूला बनता है, अल्फा ऑप्शन बनेगा MCQ नंबर 9। इसका बच्चों आंसर क्या बनेगा, अल्फा। ये बस मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को पता है कि इसका जो जवाब है वो क्या आना चाहिए, क्योंकि फार्मूलाज आप लोगों ने याद किए हुए होते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब देखें MCQ नंबर 12 वापस MCQ नंबर 4 को रिपीट कर रहा है, लेकिन सिर्फ पूछने का तरीकाकार मुख्तलिफ है, पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है। उसने कहा जी इफ़ बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री देन लॉ ऑफ कोसाइंस, अगर बीटा 90 डिग्री हो तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम में रिड्यूस हो जाएगा। ये वही बात दोबारा रिपीट की हुई है। अच्छा, इसी तरीके से ये MCQ नंबर 13 जो है वो वापस MCQ नंबर 6 की शक्ल में लिखा हुआ है, उसी तरह का लिखा हुआ है, तो ये टैन का फार्मूला बनता है, ये दोबारा रिपीट हो गया। और इसी तरीके से MCQ नंबर 14 फिर टैन का फार्मूला लिखा हुआ है, ये रिपीट हो गया। MCQ नंबर 15 में फिर टैन का फार्मूला लिखा हुआ है, रिपीट हो गया। MCQ नंबर 16 में कॉस का फार्मूला लिखा हुआ है, रिपीट हो गया। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विद यूजुअल नोटेशन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू। तो बच्चों इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो MCQ नंबर 17 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी ये किसके इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एस जो है, ये ज़रा मैं आपको पूरी रीज़न के साथ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, एस किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के इक्वल होता है, ये बात हम जानते हैं। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। तो दोनों तरफ आप एक काम करेंगे, 2c को बच्चों माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। तो अल्टीमेटली यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और ये बनेगा s माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी, जी जनाब ये प्लस सी माइनस 2c। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस सी किसके बराबर है, 2 × s − c के बराबर है। तो लिहाजा ये इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा MCQ नंबर 17। जी बच्चों अल्फा ऑप्शन इसका जो है वो रिजल्ट बनेगा, इसको हमने हिट करना है। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 20 है, इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल जो है वो आपको 20 दी हुई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 20 दिया हुआ है, ए बी और सी आपको दिया हुआ है, देन आर इज इक्वल टू, आपसे बच्चों आर जो है वो पूछा जा रहा है कि आर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा देखिएगा, ये है जी MCQ नंबर 20, बहुत अच्छा MCQ है, इसको ज़रा देखें। एरिया है जी हमारे पास 20 दिया हुआ और ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू बच्चों 10 है।
तो आपसे ना आर पूछा गया, तो आपको पता है कि आर किसके इक्वल होता है? आर बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस के। जी बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस के बराबर होता है। तो आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको एस चाहिए। तो एस निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहाँ पे एक तरफ लिख लोगे एस इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करोगे और टू से डिवाइड करोगे। फोर प्लस सिक्स टेन, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी को टू से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट होगा टेन। तो इसका मतलब है हमारे पास आर बराबर होगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टेन एंड आंसर इज टू। तो टू ऑप्शन देखिएगा कौन सा है जी हमारे पास, अल्फ़ा ऑप्शन है। तो अल्फ़ा ऑप्शन बच्चों हमारे पास आंसर होगा। तो इसमें क्या मुश्किल बात है? कोई बात मुश्किल है ही नहीं। तो अब इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं जी 21 पे। दिस इज़ द एरिया, वो कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल का एरिया जो है बच्चों वो चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ 1/2 ए सी साइन बीटा। ये 12.7 के अंदर फार्मूलाज लिखे हुए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के, नौ फार्मूले, नहीं नौ नहीं लिखे हुए, तीन और तीन छः और एक हीरोज फार्मूला सात, सात फार्मूले लिखे हैं बच्चों। आप लोगों को फार्मूले याद करेंगे तो आपके लिए ये एमसीक्यू बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज की गेम है। चैप्टर नंबर 12 में फार्मूले अगर आपको याद हैं और 12.8 के स्टेटमेंट्स अगर आपको याद हैं तो किसी सूरत आपको ये हो ही नहीं सकता कि 12 चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके गलत हो जाएँ। तो इसी तरीके से चलते जाएंगे, देखते हैं जी नेक्स्ट मैक्सिमम हम कहाँ तक जा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 25 तक एरिया की डिस्कशन की गई है और 26 से शुरू हो रहा है और जनाब अली चलते जा रहे हैं 56 तक। इसमें सारा एक्सरसाइज 12.8 को बच्चों डिस्कस किया हुआ है। उसकी 12.8 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई हैं मुख्तलिफ नौयत की। उनमें जस्ट फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जस्ट 26 लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू आर चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। 27 में इन रेडियस आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस लिखा हुआ है। रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स बी, बच्चों बी के अपोजिट जो वर्टेक्स बनता है वो आर टू होता है, यानी जो रेडियस बनता है एस्क्राइब्ड रेडियस वो आर टू होता है और आर टू की कीमत होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं मुझे ना ज़रा बोरियस सी फील हो रही है कि मतलब इस चैप्टर को पढ़ाते हुए ना, सच्ची बताऊँ आपको मुझे बोरियस सी फील हो रही है क्योंकि इसमें कोई नई बात है ही नहीं, सारे फार्मूलाज हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए एमसीक्यू नंबर 37 है। अब 37 एमसीक्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये 12.8 का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी एज इट इज़ स्टेटमेंट उठाई हुई है। उसने लिखा हुआ है जी स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो आर वन, हमें पता है कि ये बराबर होता है 1:2:3 के, वेरी सिंपल। तो इसका जवाब जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन आ जाएगा। तो कैपिटल एमसीक्यू नंबर 39 में कैपिटल आर की वैल्यू पूछी हुई है, मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई लगता है कि ये इसमें जो है कोई ऐसा है जो डिस्कस करने वाला तो मैं डिस्कस करता हूँ, वरना आप लोग खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत जीनियस हैं, प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, आप कर लेंगे। हाँ जी, एमसीक्यू नंबर 48 बच्चों लिखा हुआ है, ये थ्रेटिकल पॉइंट है और इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है। इसमें लिखता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स कट करते हैं बच्चों वो हमारे पास क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाता है। इस बात को याद रख लें, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा। और इसी तरीके से नहीं बच्चों, मुझे इसमें कोई स्पेशल क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा जिसको मुझे करवाना पड़े, जिसके ऊपर बात करनी पड़े मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत इजी सा पोर्शन है, ये आप लोग बड़े आसानी से जो है वो खुद कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो कीजिएगा। इस लेक्चर में हम फिलहाल इसी को डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक नसीहत जो मैं करना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, आप लोगों ने किसी सूरत इसको इग्नोर नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री को याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मतलब
50 मार्क्स का पेपर आराम से बन जाया करता होता है। तो मतलब जिस बच्चे को खुदा ना खास्ता, वैसे तो माशाल्लाह सारे जीनियस, अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि सारे बहुत अच्छे नंबर लें और सारे अच्छे नंबर्स के लिए कोशिश करें, लेकिन जिन बच्चों के लगता है कि तैयारी हमारी वीक है, तो काइंडली वो सिर्फ ये कर लें तो ये भी हाथ में ले कर चले जाएँ। तो चलो कम अज़ कम ये है कि ना होने से होना बेहतर है, तो मतलब फ़ेल होने से पास हो जाना बेहतर है। तो आप लोग पास ज़रूर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह इसको ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। बाकी अगर हो सके तो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, यानी ये आपके कुछ 6-7 चैप्टर बनते हैं, ये अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो राउंड अबाउट 80 आ जाते हैं। लेकिन आपका जो ख्वाब है, आपकी जो कोशिश है, वो 100 मार्क्स के लिए होनी चाहिए। ये मेरी आपको एडवाइस भी होगी, नसीहत भी होगी, मतलब बेटा समझ के, भाई समझ के, बच्चियाँ समझ के, बेटियाँ समझ के, आपने 100 मार्क्स के लिए बच्चों एफर्ट करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफिज़।